Kashmir News Service presents. पहले मैं जितने भी यहाँ पे दोस्त आए मीडिया से व्यवस्था उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका सवाल जो है फ्री राशन के मुतालिक आपने किया तो आप सब जानते हैं कि पिछले साल भी सरकार ने 6 महीने का राशन फ्री दे दिया पीएचएच फैमिलीज को जो बीपीएल या एवाई फैमिलीज है उनके हक में 6 महीने का राशन फ्री दिया गया था और इस साल भी हमने जो कल न्यूज सर्कुलेट हुई है उसके मुताबिक 2 महीने का राशन फ्री देने जा रही है सरकार। हालांकि अभी फॉर्मल ऑर्डर इसमें कोई नहीं आया है, जब तक फॉर्मल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक इस पर पूरी तरह से वजाहत करना मेरे लिए मुश्किल होगा या नामुमकिन भी है। लेकिन जो सर्कुलेट न्यूज हुई है कल सरकार की तरफ से 2 महीने का राशन दिया जा रहा है मई और जून का, वो भी बीपीएल और पीएचएच जो पीएचएच और एवाई फैमिली है उनके हक में 2 महीने का राशन फिलहाल फ्री दिया है। देखिए बशीर अहमद खान साहब यहाँ पे डायरेक्ट तैनात थे तकरीबन 1.5-2 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया और बहुत अच्छी तरह से काम किया, महकमे को आगे चलाने में उनका एक अच्छा रोल रहा, एक पॉजिटिव रोल रहा। और अब डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब यहाँ पे तैनात हुए हैं बशीर सरबराही महकमा, हमें उनसे भी उम्मीद है कि वो और बेहतर करने में अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और हम भी अपनी तरफ से उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम उनका भरपूर साथ देंगे, जैसा कि यहाँ के मुलाजमीन ने बार बार ये साबित किया है। हालात जैसे भी रहे हो मुल्क में, लेकिन फूड सप्लाईज के मुलाजिम ने घर घर राशन पहुँचाया और कभी भी यहाँ पे किसी को फाका कशी का मतलब मुतला होने में कोई मौका नहीं दिया आज तक। तो मुझे यकीन है कि महकमे को आगे बढ़ाने में डॉक्टर साहब अपना रोल निभाएंगे और साथ ही साथ जो मुलाजमीन को दरपेश मामला और मसाइल है उनको भी हल करने में वो अपना एक अहम रोल अदा करेंगे। तो इस वक्त ये सेकंड वेव है, इसका अगर हम मुशाहदा कर रहे हैं कि इट इज मोस्ट डेंजरस देन द फर्स्ट वेव, जो पहली वेव चली थी उससे ज्यादा भी ये खतरनाक कही जाती है डॉक्टरों के बयान के मुताबिक। इसमें लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है, साथ ही साथ हमारे जो मुलाजमीन हैं हमने उनको अवेयर किया है और फिर से मैं जो शहर गाम हमारे मुलाजमीन हैं उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि राशन देते वक्त SOPs का ख्याल रखें, जमगट्ठा ना बनाए, कोई रश राशन डिपो पे ना बनाए, बल्कि आसान तरीके से लोगों को राशन तकसीम करें और खुद को भी बचाए। और लोगों से भी गुजारिश है जब भी वो जहाँ भी जाए, खसूसन मैं राशन की बात करूँगा, राशन डिपो पे जाए तो मास्क लगा के जाए और वहाँ पे वो भी SOPs का ख्याल रखे। और दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि सरकार की तरफ से जो इस वक्त हुक्मनामा है कि बायोमेट्रिक जो हम पास मशीन पे वहाँ पे थम इंप्रेशन करते हैं और उसके बाद ही राशन हासिल किया जा सकता है, तो चंद दिनों पहले इसमें डीलर ऑथेंटिकेशन भी चलती थी लेकिन उसको एकदम से बंद किया गया है। अब सारिफ को जब तक उसका थर्म इंप्रेशन ना मिलेगा तब तक उसको राशन नहीं मिलेगा। तो इस सिलसिले में मेरी आवाम से गुजारिश होगी कि वो हमारे स्टोर कीपरों से कोऑपरेट करे और थर्म इंप्रेशन करे। और दूसरी जानब मेरी सरकार से गुजारिश होगी इस सिलसिले में कि बहुत सारे ऐसे भी हमारे राशनी हैं जो राशन डिपो पे जाते हैं लेकिन उनका थर्म इंप्रेशन वहाँ पे किसी वजह से नहीं मिल जाता है, मिसमैच हो जाता है, तो डीलर ऑथेंटिकेशन का रहना जरूरी है। मेरी गुजारिश होगी अपने कमिश्नर साहब जो बहुत ही ईमानदार और डेडिकेटेड ऑफिसर है, मेरी उनसे मुद्दबाना गुजारिश होगी आपके वसादत से कि डीलर ऑथेंटिकेशन को बंद ना किया जाए, क्योंकि वो सारिफ जिन्हें किसी न किसी वजह से अगर हम देंगे कोई कुछ बुजुर्ग औरतें अगर जाती है राशन डिपो पे तो उनका जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो गल गए होते हैं, या इसी तरह से बहुत सारे मजदूर जो मजदूरी का काम करते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स गल गए होते हैं, वो विजिबल नहीं होते हैं। जब वो पॉस मशीन पे अपना फिंगरप्रिंट देते हैं तो वो मिसमैच हो जाता है, तो उस सिलसिले में अगर डीलर ऑथेंटिकेशन रहेगी तो उन बेचारों को सहायता होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।